ना कुछ समझ में आया देखते हैं एग्जाम्पल ये एरे है ये हमारी लिमिट है हमें साइज निकालना है लॉन्गेस्ट नॉन एम टी एरे का ठीक है थीके? कुछ इस तरह से कि सर एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट ऑफ दिस सवेरे इज लेस देन इक्वल टू लिमिट जैसे कि देखिएगा यहाँ पे सब एरे क्या है आठ है ठीक है पहली सवेरे आठ माइनस आठ जीरो होता है तो इसका साइज कितना हो जाएगा एक हो जाएगा फिर लेते हैं ये वाली सब एरे एट टू 8 minus 2 6 होता है जो कि ग्रेटर है चार से यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा यानी कि ये हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ठीक है 8 2 4 मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हो सकता है यहाँ पे 8 और 2 का राइट जो कि 6 है जो कि ग्रेटर है चार है इसका मतलब क्या है ये भी आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अब ये देखो यहाँ पर भी देख लीजिए मैक्सिमम कितना 8 है मिनिमम कितना है दो है इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम ऑब्वियसली मैक्सिमम माइनस मिनिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकल जाएगा राइट किसी भी एरे में अगर मैं मेरे को मैक्सिमम पता है और मेरे को मिनिमम पता है उनमें डिफरेंस क्या होगा मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इस एरे का समझ रहे हैं बात को मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब यही है कि एरे का मैक्सिमम माइनस एरे का मिनिमम ठीक है सर तो भाई अभी तक तो यही एरे हमारे आंसर में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी क्योंकि इसी का डिफरेंस चार से कम था फिर आता है दो दो माइनस दो जीरो है ठीक है ये भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है दो माइनस चार भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ठीक है फिर दो माइनस सात यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा देन चार कॉन्ट्रीब्यूट करेगा क्योंकि चार माइनस चार इक्वल जीरो होता है ठीक है देन फोर माइनस सेवन भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सात भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ठीक है सारी सब एरे देखने के बाद देखने के

अगर वो लेस देन इक्वल टू हमारे लिमिट के बराबर है इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उसका आंसर मेरे पास होना चाहिए ठीक है ना मैं रख लूंगा अपनी जेब में उसका आंसर ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ आगे आंसर जो ना उससे और जितने भी आंसर होंगे उनमें से मैक्स मैं आउटपुट में दे दूंगा ठीक है याद करिए इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी सबेरे का क्वेश्चन होता है तो घंटियाँ बजनी चाहिए स्लाइडिंग विंडो की ठीक है हमें एक पॉइंट तो बचल गया है है ना कि भाई स्लाइडिंग विंडो से इसको करेंगे एंड हमें पता है कि लास्ट क्वेश्चन में हमने ये तो क्या था स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम क्या क्या था विंडो है हमारे पास एक और उसमें मेरे को मैक्सिमम रखना है ये तो कर रहे थे देखो स्लाइडिंग विंडो खींच सक रही थी ठीक है और हमको उसमें से मैक्सिमम निकालना था समझ रहे हैं तो हमने क्या किया था एक डेक ले लिया था अच्छा तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसके लिए लीड 239 जरूर कर लीजिएगा। बल्कि मैक्सिमम तो तो कैसे निकालते थे हम हमने देखा था ना? हम लेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग डेक ठीक है और स्लाइडिंग विंडो में मिनिमम भी निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में ठीक है ना हम वही तो कर रहे हैं देखो एक मेरे पास सबरे है उसमें हम क्या कर रहे थे मैक्सिमम निकाल रहे थे एंड मिनिमम निकाल रहे थे समझ रहे बात को तो एक सब एरे है एक विंडो है मेरे पास ठीक है मैक्सिम निकालना आता है हमें अगर मिनिमम भी है हमारे पास तो क्या होगा हम मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर लेंगे और चेक कर लेंगे लिमिट से कंपेयर करके ठीक है तो सर जितनी भी हमारी क्या बनेंगी सब एरे बनेंगी उनके कोरोस्पॉडिंग हमें मैक्स चाहिए एंड हमें क्या चाहिए मिन चाहिए ठीक है और हमें पता है कि मैक्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे क्या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग डेक एंड मिन निकालने के लिए हम यूज करेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डेक ठीक है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग डेक है इसके टॉप पे मैक्स पड़ा होगा राइट right? एंड इसके टॉप पे मिनिमम पड़ा होगा ठीक है तो दोनों के टॉप को हम माइनस करेंगे हर सबेरे के लिए एंड चेक करते चलेंगे कि सर वो लिमिट से छोटा है या बड़ा है अगर छोटा है तो हम क्या कर लेंगे आंसर वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेंगे और बार बार हम मैथ डॉट मैक्स करते हुए चलेंगे पुराना आंसर एंड नया आंसर ठीक है सर ऐसे चलिए कोड करते हैं ठीक है सर इंटेलिजी के अंदर आ गए हैं यहाँ पे लिखते हैं कोड तो सबसे पहले हमें दो डेक्क चाहिए होंगे अरे डैक इंटीजर एक हमें इंक्रीजिंग डेक् चाहिए होगा एक हमें डिक्रीजिंग चाहिए होगा एक रिजल्ट ले लेते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो अब अगर आपको स्लाइडिंग विंडो अप्रोच याद हो तो मैं बता दूं देखिए स्लाइडिंग विंडो में मैंने स्टार्टिंग में इस प्ले लिस्ट स्टार्टिंग में ही आपको एक ब्लू दिया था कि कैसे हम सॉल्व करते हैं एक लेफ्ट पॉइंटर एंड एक राइट पॉइंटर लेफ्ट और राइट right के बीच में होती है हमारी विंडो ठीक है राइट right को बढ़ाते हैं हम है ना बेसिकली क्या कर रहे हैं ऐड करते हैं आगे वाला एलिमेंट जैसे मान लीजिए विंडो क्या है मेरी वन वन जीरो है ठीक है और मेरे को विंडो बढ़ानी है तो मैं राइट को बढ़ा दूंगा लेफ्ट मेरा मान लीजिए यहीं पे है इस वाले वन पे ठीक है फिर चेक करूंगा कि क्या एक राइट वाले एलिमेंट को ऐड करने से विंडो में गड़बड़ तो नहीं हो रही है तो वही लिखा हुआ है वाइल कंडीशन नॉट मेट अगर कंडीशन मेट नहीं होती है तो हम क्या करेंगे विंडो को छोटी करेंगे यानी कि मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अब मेरे को याद नहीं क्वेश्चन क्या था लेकिन मान लीजिए ये विंडो अब मेरे को कम करनी है ये वन हटाना है ठीक है ना तो हम क्या करेंगे कुछ लॉजिक करेंगे एंड लेफ्ट को बढ़ा देंगे हमें वन जीरो वन चाहिए विंडो में ठीक है अगर ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिर से बता रहा हूं कि स्लाइडिंग विंडो में क्या करते हैं विंडो को बढ़ाते हैं फिर चेक करते हैं क्या विंडो को बढ़ाने से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है अगर गड़बड़ हो गई है तो लेफ्ट से विंडो को डिस्ट्रॉय करते हुए चलते हैं ठीक है जब विंडो सुंदर बन जाती है

क्या मैं ऐसे ही डायरेक्टली ऐड कर है ना नम्स ऑफ राइट को डायरेक्टली ऐड कर दू इन दोनों deck में नहीं हमें हाँ क्या करना है इनको इंक्रीजिंग रखना है एंड इसको डिक्रीजिंग रखना है तो हम कंडीशंस लगाए ना कुछ वाइल अगर इंक्रीजिंग वाला एम नहीं है ठीक है ना इसकी बात कर रहे हैं अगर मान लीजिए खाली नहीं है और साथ के साथ जैसे मान लीजिए एट रखा है अभी डेक में मान लेते हैं दो आया क्या दो आया तो मैं इसको एज इट इज डाल दूंगा इसमें नहीं हमें इंक्रीजिंग रखना है लेकिन ये क्या हो गया है डिक्रीजिंग हो गया है समझ रहे बात को डिक्रीजिंग है आठ के बाद दो आ रहा है डिक्रीज हो गया इंक्रीजिंग डेक का मतलब ही क्या है कि बढ़ते हुए क्रम में क्यों क्योंकि इसके जो टॉप पे रखा होगा ना वो हमेशा मिनिमम रखा होगा लेकिन यहाँ पर तो आठ रखा है मिनिमम क्या है यहाँ पे दो है ठीक है अच्छा तो हम इसको पॉप करा देंगे ठीक है तो वही कंडीशन लगा दी मैंने यहाँ पे दो तो कि सर डेक को इंक्रीजिंग ही रखना है और डेक को डिक्रीजिंग ही रखना है नर्म्स ऑफ राइट को डालने जा रहे हैं इसीलिए हमने पहले ही डेक को सुंदर बना लिया ठीक है ना है ना इसका तो एग्जाम्पल दे दिया था अब इसका भी एग्जाम्पल दे देता हूँ अच्छा डिक्रीजिंग डेक रखना है डिक्रीजिंग डेक का मतलब क्या है कि टॉप पे ना हमेशा 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 मैक्सिमम वाला होगा राइट अच्छा जैसे अब मान लीजिए मेरा डेक में प्राय चार मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ठीक है मान लेते हैं फिर आया सात क्या ऐसे डाल दूँ मैं डिक्रीजिंग में नहीं क्यों क्योंकि डिक्रीजिंग डेक है यहाँ पे तो इंक्रीजिंग हो रहा है और डिक्रीजिंग डेक के टॉप पे हमेशा हाइएस्ट वाला होता है ठीक है तो पॉप कराऊंगा चार को देन साथ डालूंगा ठीक है सर अच्छा क्या पहला स्टेप हो गया नहीं अभी नम्स ऑफ राइट को मैंने डाला ही कहा है नम्स ऑफ राइट को डालो तो सही ठीक है सर पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि नम्स ऑफ राइट को हमने हैंडल कर लिया ऐड कर दिया अपने डेक्स में अब क्या करना है अब दूसरा स्टेप ये था कि क्या नम्स ऑफ राइट को ऐड करने से कुछ गड़बड़ हो गई है क्या गड़बड़ का मतलब क्या है यहाँ पे गड़बड़ का यहाँ मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा डेक अभी फिलहाल जो है इंक्रीजिंग की शक्ल दिखा देता हूँ एक एक इंक्रीजिंग की दिखा देता हूँ एक डिक्रीजिंग की दिखा देता हूँ पहली बार में तो देखो क्या बनेगा डेक आठ आठ हो जाएगा दोनों में आठ और आठ है ना आठ और आठ क्या ये सुंदर है डेक बताइए सर सुंदर का मतलब क्या है क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि क्या इसका टॉप और इसका टॉप का अगर मैं डिफरेंस करता हूँ क्या वो लिमिट के क्या वो लिमिट के लेस देन है नहीं है।

है ना गड़बड़ का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन लिमिट तो नहीं हो गया है ठीक है डिफरेंस अगर हो गया है तो देखो वही कर रहा हूं अगर हो गया है तो विंडो को लेफ्ट से डिस्ट्रॉय कर दीजिए अब यहां पे देखिए दो कंडीशन लगा दी है मैंने ये कंडीशन क्या बोलती है कि सर आपका जो लेफ्ट पॉइंटर वो कहा चल रहा होगा वो नम्स पे चल रहा होगा राइट right. और राइट right वाला भी कहां चल रहा है नम्स पे चल रहा है पॉइंटर्स तो नम्स पे ही है ठीक है अभी एक्जाम्पल आएगा देखो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ड्राई रन कर लेते हैं लेफ्ट एंड राइट स्टार्टिंग में यहीं होंगे आठ पे राइट ठीक है तो ये चला एम टी अभी कुछ नहीं करेंगे एम टी कुछ नहीं करेंगे बेसिकली ऐड कर देंगे डेक में आठ और आठ ऊपर वाला मान लेते हैं क्या इंक्रीजिंग डेक है और नीचे वाला मान लेते हैं डिक्रीजिंग डेक है ठीक है ठीक है सर ठीक है इस कंडीशन को मारी गोली अभी ठीक है दूसरी बार चलते हैं फिर दो आते हैं अच्छा अब जैसे मैं अगर यहाँ दो डाल दूंगा तो ये डिक्रीजिंग डेक हो जाएगा ना तो इसका मतलब क्या है मेरे को इंक्रीजिंग रखना है तो पॉप करना पड़ेगा आठ को एंड देन दो डालना पड़ेगा राइट लेकिन यहाँ पे मैं दो डाल सकता हूं ठीक है ये चारों स्टेटमेंट चल गए हमारे फिर देखिए अब, अब देखो विंडो जो है ना गड़बड़ हो गई राइट विंडो जो हो गई है गड़बड़ आठ माइनस क्या होता है छ जो कि है ग्रेटर देन लिमिट ठीक है यानी कि विंडो हमारी गड़बड़ हो गई है फिलहाल राइट कहाँ पे था हमारा दो पे था और लेफ्ट कहाँ पे था आठ पे था इस फोटो के लिए अच्छा तो हमें क्या करना पड़ेगा विंडो डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी विंडो डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं लेफ्ट से ठीक है 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 तो तो हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि डेक है, डबल एंडेड क्यू है, तो हम पीछे से पुश पॉप कर सकते हैं और आगे से भी कर सकते हैं ठीक है अच्छा तो हम क्या करेंगे अब स्टार्टिंग से रिमूव करेंगे क्या लेफ्ट वाले को यानी कि आठ को ठीक है आठ को रिमूव करेंगे तो आठ को कहाँ से रिमूव करना है वो कैसे चलेगा हम चेक करेंगे ना सर वही लिखा हुआ है यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या इसके स्टार्टिंग में आठ है क्या इसके स्टार्टिंग में आठ है जिसके भी स्टार्टिंग में आठ है ना वहाँ से हटा दीजिए सर क्योंकि विंडो जो है ना छोटी हो गई है ठीक है ना तो वही लिखा हुआ है चेक किया पहले चेक किया पहले एंड देन रिमूव कर दिया तो यहाँ पे यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो डेक जो हो जाएगा फिर से दो दो हो जाएगा ठीक है ये है फोटो विंडो जब सुंदर हो गई देखो सही बात है ना क्योंकि दो माइनस दो जीरो होता है दो माइनस दो जीरो होता है जो कि लेस देन है चार ठीक है तो हमारा एल यहाँ पे पहुंच जाएगा और अगले इटरेशन में आर हमारा चार पे आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि सर जो इस सुंदर विंडो का आंसर है उसको स्टोर करते हुए चलिए आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स पुराना आंसर माइनस नया आंसर नया आंसर क्या है राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन यानी कि विंडो का साइज ठीक है वो लिख दिया मैंने आर एस इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स आर एस पुराना आंसर एंड नया वाला आंसर ठीक है चलिए अब चलते हैं आगे चार को डालने की कोशिश करते हैं चार डल जाएगा इंक्रीजिंग डेक है यहाँ पर नहीं जाएगा चार क्योंकि डिक्रीजिंग डेक है यानी कि इसको पॉप कराएंगे देन चार डाल देंगे फिर ये कंडीशन चेक करेंगे क्या चार माइनस दो लेस देन है चार के है ना जो टॉप में रखे हुए हैं उनका डिफरेंस किया मैंने कि देखा कि क्या वो लेस देन चार है यहाँ है इसका मतलब क्या है कि हमारे आंसर में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ये वाला हमें सुंदर बनाने की ज़रूरत है नहीं ऑलरेडी सुंदर है एंड फिर हम आंसर को अपडेट कर देंगे पुराना आंसर क्या था वन है तो नया वाला क्या जाएगा मैट डॉट मैक्स वन कॉमा राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन राइट क्या है इस समय जीरो वन टू टू है लेफ्ट क्या है ज़ीरो वन है है, वन है प्लस वन यानी कि दो तो आंसर इस समय क्या हो जाएगा दो हो जाएगा ठीक है फिर अगली बार आर को आगे बढ़ाएंगे चलिए सर सात आया सात डल जाएगा यहाँ डल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे डल जाएगा यहाँ पे नहीं डलेगा क्योंकि क्या है डिक्रीजिंग टेक है अगर डालते तो इंक्रीजिंग हो जाएगा तो पॉप गया चार को एंडन सात डाला ठीक है अब देखिए अब इसका टॉप को उठाइए इसका टॉप को उठाइए देखिए डिफरेंस कितना पांच आ रहा है सर पांच आ रहा है अच्छा पाँच आ रहा है जो कि क्या है ग्रेटर है चार से इसका मतलब क्या है विंडो सुंदर नहीं है हमारी इसका मतलब क्या है लेफ्ट को आगे बढ़ाना है लेफ्ट को आगे बढ़ाना है है ना और करना है दो जो था ना दो इसको हमें हटाना है ठीक है यहाँ से हटा देंगे ठीक है फिर चेक करेंगे आंसर कितना है अभी भी दो ही आएगा ऑब्वियसली ठीक है अब देखिए टॉप माइनस टॉप किया क्या आ रहा है सर तीन आ रहा है जो कि लेस देन है लिमिट इसका मतलब क्या है ये भी आंसर में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा आंसर में कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं ठीक है पुराना आंसर क्या दो और नया आंसर क्या है सर दो ठीक है तो यही क्वेश्चन इसमें आखिर में, में रिटर्न आ रहीस करा देंगे कोई नई बात नहीं है सबमिट करते हैं इसको ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें अच्छा टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है टाइम कम्पलेक्सिटी बिग ऑफ एन ही है एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी है स्पेस भी बिग ऑफ एन है ना स्पेस कम्पलेक्सिटी समझ में आती है बिग ऑफ एन अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको समझ में नहीं आ रही है कि बिग ऑफ एन क्यों है इसका मतलब है कि भाई आपने स्लाइडिंग विंडो की वीडियो नहीं देखी है इस प्लेलिस्ट की तो वो देख लीजिएगा